मैं हूं श्रीनिवास सिरमल्ले, आप देख रहे हैं टीएस टीवी न्यूज। आइए देखते हैं शहर के कुछ देश से ये योजना निकाला, थोड़ा उसके बारे में जानकारी देंगे। ये 2018 में महाराष्ट्र सरकार ने एक नवीन वस्त्र उद्योग धोरण करके घोषणा किया है। इसमें 2018 से 23 तक इसने पावर लूम उद्योग जो है उसके लिए 2 रुपये पर यूनिट अपना सब्सिडी देने के लिए ऐलान किया है। तो ये तत्कालीन सरकार को जब भी ये फॉर्म भरने के लिए नोटिफिकेशन दिया है तो सर्कुलर जारी किया, तो तब सरकार से विनती किया है ये अर्जी भरना अपना सादा पावर लूम वालों को हमारा बस का बस नहीं करके। तो तब सरकार ने क्या किया, उसका टंडा बस्ता में रख दिया। अब 2-3 साल गुजर गया, 18 गया, 19 गया, 20 गया, अभी 21 में ये सरकार ने नहीं किया, फिर भरने के लिए बोल रहे। शायद सरकार का उद्देश्य ये होगा कि चाहे पावरलूम हो, कृषि उद्योग हो, इसमें क्या होता है, जहाँ सब्सिडी है वहाँ करप्शन होता है। अगर इसका जो पावरलूम सब्सिडी दे रहा है वो दुरुपयोग होता है करके सरकार का अगर उद्देश्य होगा, जो सही पावरलूम वाले हैं उनको मिले, जो करप्शन कर रहा है उसी उद्देश्य लिया होगा। लेकिन अर्जी तो इतना कठिन है, बहुत कठिन। तो वही सुनने में आया कि अर्जी में बहुत सारे नियमों का उसमें उल्लेख किया गया है, जैसे व्यापारियों का कहना है कि ऐसे भरना हो तो सिर्फ 5% भी भरना मुश्किल हो जाएगा, तो इसके बारे में जानकारी देंगे। ये बात भी सही है, मेरा पास कई लोग है जिनका घर में BTech MTech किया, MBS किया बच्चा लोग है, वो भी मेरे को आके पूछने का है, अरे दादा कैसा भरने का ये करके। वास्तव में इतना पढ़े लिखे लोगों भी भर रहे नहीं, इसमें टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में थोड़ा जानकारी होना चाहिए और इलेक्ट्रिसिटी का जो टेक्नोलॉजी होता है, बिलिंग का बारे में जानकारी होना चाहिए, वो ऐसा लोग भरेंगे। वास्तव में कई लोग भरने में इसमें असमर्थ है, ये IAS या Group 1 एग्ज़ाम के लिए जैसा एग्ज़ाम होता है ऐसा सादा पावर लूम अशिक्षित लोग है, इसमें अल्पशिक्षित लोग है, ये लोग क्या कैसा भर पाएंगे। क्या सरकार अपना बच्चा लोगों को इसमें, हमको ये प्रतीत हो रहा है कि इतना लाखों रुपया खर्चा करके हम बच्चा लोगों को पढ़ाया तो काली डिग्री है, वो डिग्री कोई काम का नहीं, सरकार का कोई अर्जी भरने लायक भी हमारा बच्चा नहीं है। और सुनने में आया कि SSI सर्टिफिकेट जरूरी है और वो SSI सर्टिफिकेट जल्दी मिल नहीं रहा है, और जब तक मिलेगा तो यह ऑनलाइन का भी तारीख कम पड़ सकता है, तो इसके बारे में बताएं। इसमें क्या है, पहला सरकार से हमारा विनंती है, जो ये 50 कॉलम 60 कॉलम रखा है, कृपा करके पहले इसको शॉर्ट करो, या 14-15 कॉलम में आप इसका ये करने का हमारा विनंती है। और SSI सर्टिफिकेट का बारे में, इसमें जो लोग शटललेस लूम लेता है, सोल्जर वगैरह, वो ऐसा लोगों के लिए SSI सर्टिफिकेट है, उन लोगों का सब कुछ ये होता है, तो उन लोगों को। हमारा 4 लूम वाला है, इसमें 6 लूम वाला है, एक बाजू वही उनका कारखाना होता है, रहना सहना किचन बेडरूम सब वही कारखाने में होता है, छोटा मोटा कर काम करके जीने वाला ये बुनकर लोगों के लिए ये काय के लिए NPA मांगा है, और ये सब इतना कठिन अर्जी भरना संभव नहीं है। NPA सर्टिफिकेट क्या जरूरी है आपके हिसाब से? सर्टिफिकेट भी जरूरी करके किया है, ये सरकार को पहले ये सोचना चाहिए। अभी तक जो सादा पावर लूम है, ओवर पिक लूम या अंडर पिक लूम बोलते हैं, जिसको इंग्लिश लूम भी बोलते हैं, ये सादा पावर लूम के लिए अभी तक कोई भी बैंक अपने को लोन नहीं दिया है। तो अपना लोन नहीं दिया तो फिर अपन क्या बैंक को डूबने का क्या सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि ये इसमें अशिक्षित लोग है, इसमें 3 प्रकार का लोग है, जिसका कारखाना एक का होता है, लूम एक का होता है और चलाता एक है, तो इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि अभी किसका नाम से लिखूं, कारखानदार का नाम से लिखूं गाला वाले के, या पावरलूम वाले के नाम से लिखूं अर्जी भरेगा तो, या जो पावरलूम धंधा कर रहा है उनका नाम से। और भिवंडी में 3 प्रकार के लोग है ये धंधा में, एक प्रकार का ऐसा लोग है जिसका लूम भी उनका ही है और खुद का धंधा करता है, यानी कपड़ा खुद बना के बेचता है, ऐसा लोग 20% है। और भिवंडी में 2 प्रकार के लोग हैं जिनका पास लूम है लेकिन खुद का धंधा नहीं, मजदूरी का भीम लाके और भीम चला के कमीशन पर चलाते हैं, यानी धागा देते हैं तो कपड़ा बना के जो सेठ को देते हैं उसमें जो भी मजदूरी होता है उसमें अपना गुजर बसर करते हैं। और तीसरा प्रकार के लोग होता है जो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करने वाला इन्वेस्टर लोग होता है, पूंजीपत लोग, वो लोगों को ना लूम नहीं रहता है कुछ नहीं रहता है, मगर ऐसा मजदूरी भीम देकर वो लोग कपड़ा बनाते हैं।
ऐसा तीन प्रकार का लोग है इसमें, यानी जो कौन सा प्रकार के लोग उनका नाम से अभी अर्जी पर, तो सरकार सीधा सीधा सिंपल करना चाहिए अर्जी का। और ये बैंक लोन का जो है, बैंक लोन अपन लिया नहीं, सोल्जर वाला वगैरह लिया, तो उन लोगों को देना चाहिए। मैं सरकार से सीधा सीधा ये विनंती करता हूँ, जो टेक्सटाइल बोले तो इसमें 27 ऐसा है टाइटल जो आप दिया 10 तारीख का सर्कुलर में, 27 टाइटल है इसमें, डाइंग है, जिनिंग है, स्पिनिंग है, क्या क्या है, बहुत है, नेटिंग वगैरह करके। तो इतना हो करना उसमें सब ये पावरलूम का ऊपर ही निर्भर है, इसीलिए मैं पावरलूम को अलग से एक मंत्रालय होना चाहिए सादा पावरलूम का, जो टेक्सटाइल में पूरा 80% इसी में आता है, और इसको अलग मंत्रालय होना चाहिए। ये पावरलूम को सीधा ले जाके स्पिनिंग मिल, जिनिंग मिल, जो करोड़ों लोगों का करोड़ों पूंजी से होता है, और अलग अलग ये होता है ना, इससे जोड़ना ठीक नहीं है। पावरलूम, सादा पावरलूम को छूट देना चाहिए, या सिंपल अर्जी देने का ऑनलाइन में भरने में हमारा लोग असमर्थ है। अच्छा, इस संबंध में आपने किन किन को ये निवेदन दिया है, और कौन से और कई तरीके के समस्या, पूरी जानकारी देंगे? और इसका बारे में मैं फिर भी अभी महाराष्ट्र मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे जी साहब को भी अर्जी दिया है, उसमें निवेदन किया है हमारा पावरलूम उद्योग को, जो सादा पावरलूम वालों को सादा अर्जी भरने का ये करने के लिए विनंती किया है, ईमेल पर भेजा है। ऐसा भी टेक्सटाइल मंत्री असलम शेख खान को और टेक्सटाइल कमिश्नर को, और ऐसा भी हमारा स्थानिक आमदार महेश चौगले साहब को दिया है, और अपना स्थानिक कासदार कपिल पाटिल साहब को दिया है, खासकर हमारा भाजपा अध्यक्ष और सीनियर नेता तो संतोष शेट्टी को भी अपन निवेदन दिया है, उनसे विनंती की है देवेंद्र फडणवीस से अपना कवरिंग लेटर देकर, इसमें अपने को कुछ राहत पहुंचने का या अर्जी से हमको बाहर करने का, ये अर्जी प्रक्रिया जो है रद्द करने के लिए कुछ प्रयास करने के, इन सभी लोगों को मैं निवेदन किया है। और ये कोरोना का समय में सरकार ने ये निर्णय लेना बहुत गलत लगता है। कोरोना का वास्ते सब जगह अभी अप्रैल से, मैं समझता हूँ अप्रैल से लॉकडाउन चल रहा है, ना माल आ रहे नहीं माल जा रहे हैं, तो इसीलिए 95% लूम अभी बंद पड़ा है, और लोग खाने के लिए तरस रहे हैं, और बीमारी अपना हर घर में एक ना एक बीमारी पड़ रहा है, बीमारी के लिए इलाज के लिए भागदौड़ कर रहा है। ऐसा टाइम में इनको 31 मई तक अभी भरो नहीं तो सब्सिडी रद्द करेंगे करके जो सर्कुलर दिया, ये सरासर गलत है, इसको तुरंत वापस लेना चाहिए, सर्कुलर को रद्द करना चाहिए, और हम इसी से मर रहे करेगा करके अपन तो ये तकलीफ में है, बोले तो सरकार में और हमारा ऊपर एक तोहफा है कि 10 तारीख को एक सर्कुलर भेजा है 2187 का, सर्कुलर में ये कहा गया है उसमें आपका पावरलूम का सर्टिफिकेट दे, 50-60 साल का अपना बाप दादों से आ रहे हैं, ये जूना लूम को हम सर्टिफिकेट कहाँ देंगे? और उसमें ये पूछा है कि अपना जो खरीद फरोख्त का जो है स्लिप अपना इसमें जोड़ दो। मैं 80% पावरलूम वाले जो मजूरी पर चलाते हैं, कमीशन पर चलाते हैं, कमीशन रिम चलाने वाला, उनका पास कौन सा बेचने का खरीदने का सर्टिफिकेट होता है? और ये NPA बोलते हैं हमको, ये सब नहीं है, ये जिसको है इसको आप कैटेगरी वाइज करो, सोल्जर लूम अलग का और स्पिनिंग मिल अलग का, साइजिंग प्रोसेसर अलग का, पावर लूम अलग का, ऐसा कैटेगरी कर को उसमें अगर आप कोई भी नोटिफिकेशन देते हैं तो ये अर्जी वाला को ये अमुक प्रमुख कंडीशन है, ऐसा तो करे तो अच्छा रहेगा। लेकिन ये कोरोना का टाइम में सरकार से मैं हाथ जोड़कर विनंती करता हूँ कि सर ये अर्जी तुरंत रद्द कीजिए, और ये भरने में हम लोग असमर्थ हैं, और ये इसको ऐसा किया तो हमारा रोजी रोटी छीन लेंगे, ऐसा कि कोरोना से हम त्रस्त है, तो हमारा पुनः विनंती है कि आप जिंदा दिल से ये जो 443 नोटिफिकेशन जो GR है इसको तुरंत रद्द कीजिए। अच्छा, अभी महाराष्ट्र शासन की ओर से कुछ आपके पावरलूम वालों को कोई योजना, कोई स्कीम और दूसरे अदर कोई मिला है क्या?
जैसे दूसरे वालों को कई स्कीम वगैरह दे रहे तो। नहीं ऐसा तो कुछ स्कीम पावर लूम के लिए ऐसा कुछ स्कीम नहीं है, ज्यादातर ये अपना को यही फिलहाल अपना अभी कैसे चल रहा है आपका हाल, मतलब जो पावर हाल लूम का? अपना जैसा किसानों का आत्महत्या कर रहा है वो हालत हमारा पावर लूम का है। अभी पिछले साल जब से कोरोना आया तब से धंधा कभी चला नहीं, बीच में एक दो महीना ऐसा रनिंग पकड़ने को आया धंधा, फिर कोरोना आया तब अभी हर घर में खाने का मोहताज है। भले बड़े व्यापारी जो कम माल बना के रखे उनका पास भी पैसा नहीं है, बहुत से लोगों में सही बताएगा तो भी कारीगर का तो पूछो मत, लेकिन मालिक लोगों का जो 8 लूम 16 लूम 12 लूम 20 लूम वाला जो मालिक लोग है ये लोग अभी खाने का मोहताज है। और सरकार उसको निग्लेक्ट किया तो इसमें आत्महत्या का परिस्थिति अभी पैदा हुआ है, इसको रोकने का काम तो सरकार का ही होगा, उन लोगों को आर्थिक रूप से भी मदद करके खड़ा करने का सरकार का दायित्व होता है, क्योंकि माँ बाप सरकार ही है। ये तो बुनकर मतलब अभी आपका कहना है कि आपने जो सरकार को ऐसे अपनी परिस्थिति और शासन प्रशासन की जो भी नियमों को कुछ कम करके और कम आसानी में भरने के निवेदन वगैरह दे चुकी। अच्छा, इसी तरह और लोगों को कुछ संदेश देना चाहते या सरकार से आखिरी में क्या अपील करना चाहते? मैं सरकार से यही बताना चाहता हूँ, आप स्थिर से रहिए, धैर्य से रहिए, क्या टूटो मत, आज नहीं तो कल खुशहाली आएगा कि सरकार अपना जो अपन मांगने किया है ये मानेंगे, सरकार जरूर ये रद्द अर्जी रद्द करेंगे और कुछ आर्थिक योजना भी घोषणा करेंगे करके मैं जनता को आश्वासन देता हूँ, क्योंकि सरकार जिंदा दिल का है, वो कुछ तो करेंगे मैं करके विश्वास कर रहा हूँ, क्योंकि लोग टूट चुका है ये धंधा में जो है बहुत अभी परिस्थिति से भयंकर परिस्थिति से गुजर रहे हैं। और जिन लोगों को अगर अर्जी भरने में है कागज़ पत्र SSA सर्टिफिकेट वगैरह है वो भर सकते हैं, और SSA सर्टिफिकेट का बारे में भी मैं ताना जो उद्योग सेतु में गया उसमें 4-5 भी कर्मचारी नहीं है, और ऑनलाइन पर भरेगा तो भी उसमें अभी सब ये कोरोना का ड्यूटी पर बड़ा बड़ा साहब लोग गया है, SSA सर्टिफिकेट भी मिलना बहुत मुश्किल हो रहे हैं। जिसका पास है वो भर सकते हैं, मगर जो नहीं है जब तक अगर ये करेंगे सरकार SSA सर्टिफिकेट भी रद्द किए रद्द करना चाहिए, सादा पावर लूम वाले के लिए ये कोई ज़रूरत नहीं है।